साडे चैनल ते होर नवीआं ते ताज़ा न्यूज़ देखण लई साडे सच ते पैरा टीवी चैनल नूं सबसक्राइब करो अते इस दे नाल ही दित्ते गए बैल आइकन नूं दबाओ। धन्नवाद। देश के उत्तर पूर्वी सूबे मणिपुर विखे पिछले 83 दिनों तों कीती जा रही सार फूक लुट खो कतलोगार तथे कबायली औरतों के नाल हुए वहशी जबर जनाह दीआं घटनावां नूं रोकण दे विच नाकाम केंद्र अते मणिपुर दी भाजपा सरकार खिलाफ अध्यापकां ते कुक वर्करां दे वल्लों पात्र विखे पुराने बस स्टैंड सामने चौंक विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा पुतला फूकिया गया। पंजाब यूटी सांझे फ्रंट दे सद्दे ते कीते इस रोज मुजाहरे दे विच डेमोक्रेटिक मुलाजम फेडरेशन दी अगवाई दे विच मुलाजमां तों इलावा नौजवान भारत सभा अते कीर्ति किसान यूनियन दे कारकुनां ने वी शमूलियत कीती। मणिपुर के जिहड़ी कबायली औरतों के नाल बेहद दरिंदगी भरी हौलनाक घटना वापरी है उसके खिलाफ पंजाब यूटी मुलाजम के पैंशन सांझे फ्रंट के सद्दे से डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट के डेमोक्रेटिक मुलाजम फैडरेशन वालों असी प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूकिया क्योंकि मणिपुर जिहड़ा पिछले 3 मई तो फिरकू अग दे विच दी भट्टी दे विच भुन्निया होया उसे जिस किस्म की जहरीली सियासत जी हैगी उसका एक परिणाम है जिदा कबायली औरतों सैकड़ों की भीड़ वालों नंगा करके घुमाया गया सैकड़े की गिनती वालों उन्होंने जोड़ा जबर जनाह किया गया इस तरह दहुत सारिया घटनावान ने जिड़िया अजय सामने आनिया बाकी ने घटना सिर्फ उस सियास का एक सिट है जी उ लगातार संघ की आदिवासियों के खिलाफ घट गिणतियों के खिलाफ जोड़ा उन्होंने किसी जोड़ा हिंदुआ क्रिश्चना का बना के कि मैदानी तो पहाड़ी का इस तरह का टकराव बना के उन्होंने बनाया होया तो यह फिरकू उस संघ की सरकार जी केंद्र के भी है तो जी मणिपुर के भी है हले तक ना ही कोई बहुत वड्डिया गिरफ्तारियां ना इस तरह का कोई एक्शन होया वीरेंद्र सिंह सरकार यह कह रही है कि साडे कोल इस तरह की गल है करो बहुत सारिया इस तरह दटनावान वापरिया हो इस तरह के गैर जिम्मेवार जेड़े जो हाकम हो जाए तो उन्होंने खिलाफ लोगों को खुल के सड़कों पर आना चाहिए तो यदि जिम्मेवार असी समझते हैं प्रधानमंत्री जेड़े 80 दिनों तो विदेशों के दौरे कर सकते हैं पर भारत के इस जोड़ा हिस्सा जोड़ा पूर्व का मणिपुर के ना जाके वो गए ना उतों की स्थिति का उन्होंने किया ना कोई उन्होंने को हल है तो इस करके प्रधानमंत्री का पुतला फूक रहे हैं मांग कर रहे हैं कि कबायली लोगों के इंसाफ।